आओ, ओके सो लेट्स स्टार्ट जर्नी। सॉरी गाइस फॉर द अनकंडीशनल डिले। इन दिस लेक्चर वी विल प्रैक्टिकली बी डिस्कसिंग अपॉन के जो है ना वो किस तरीके से जो है वो ये चीजें हो रही हैं। ओके सो आज का जो हमारा लेक्चर है प्रैक्टिकली वो एरिगेशन वाटर क्वालिटी के ऊपर है। बेसिकली अगर आप लोगों को याद हो जब हम लास्ट टाइम सेलिनिटी या साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने जो है वो एक चीज जो है वो डिस्कस की थी कि भाई एरिगेशन वाटर का जो है वो इम्प्रॉपर इस्तेमाल करना या एरिगेशन वाटर की पुअर क्वालिटी के होने से भी जो है वो क्या होता है कि आप लोगों को जो है वो सेलिनिटी के इश्यूज भी जो है वो देखने को आते हैं। तो इस लेक्चर में प्रैक्टिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी एरिगेशन वाटर के अंदर देखी जाती हैं, जिनको अल्टीमेटली जो है ये फिर एट द एंड जो है वो मॉनिटर किया जाता है, या फिर ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यूज को फोकस में रखते हुए हम जो है वो किसी भी पानी को एरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एरिगेशन? दिस इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्रोनॉमी का जो है वो एक मेजर डोमेन है। सो एरिगेशन का मतलब ये है कि भाई जमीन या फिर आपके जो प्लांट्स हैं उनको आर्टिफिशियली जो है वो पानी देना। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिफिशियल, यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन को जो है वो मद्देनजर रखना जो है वो बहुत जरूरी है। जस्ट अ मिनट गाइस प्लीज। ओके सो अब यहाँ पर जो है जो चीज बड़ी फोकस होती है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। देखें प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है कि आप वो क्या करते हैं वो सॉयल से जो है वो अपना वाटर जो है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, अब टेक जो होती है सॉयल से उनकी हो रही होती है, और एक नेचुरल मीन है वाटर एप्लीकेशन का, वो है रेनफॉल। ठीक है, अब जब आपके पास जो है वो रेनफॉल भी नहीं हो रही और प्लांट्स के पास जमीन के अंदर भी जो वाटर टेबल डेप्थ है वो बहुत नीचे है या उनको इतना पानी अवेलेबल नहीं हो रहा, तो फिर क्या करते हैं हम कि भाई हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हैं वाटर, यानी कि ये जो पौधों को आप अपने हाथ से पानी देते हैं या खुद से एप्लीकेशन करते हैं विदाउट रेनफॉल, उसको हम कहते हैं एरिगेशन। ठीक है, इसको एरिगेशन जो है वो इसीलिए की जाती है कि भाई हम जमीन को या फिर हमारे जो प्लांट्स हैं उनको पानी दें ताकि उनकी जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है वो बेहतर हो। ठीक है, एक होती है नेचुरल एरिगेशन। नेचुरल एरिगेशन का मतलब है रेनफॉल, जब बारिश होती है तो पौधों को पानी मिलता है, वो है नेचुरल मीन ऑफ एरिगेशन। बाकी जितने भी तरीके आप अपनाते हैं, फ्लडिंग करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी करते हैं, वो सारी की सारी जो है वो आपकी क्या है आर्टिफिशियल मीन ऑफ एरिगेशन है जो कि आपने खुद से किए हैं। तो एरिगेशन जो है वो एक फंडामेंटल प्रैक्टिस है। अगर हम आजकल के जो एग्रीकल्चर को देखें, हॉर्टिकल्चर है, लैंडस्केपिंग है, लैंड मैनेजमेंट है, उन अगर जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपकी प्रैक्टिसेज हैं अगर आप उनको अगर देखेंगे तो उन सब के अंदर एरिगेशन जो है एक फंडामेंटल प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास पौधों को देने के लिए पानी नहीं है तो फिर हम एग्रीकल्चर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास देखें इतनी बारिशें होती ही नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे, जमीन के अंदर भी चलो जो रेजिडुअल मॉइस्चर है या उसके अंदर जो होल्ड करने की सलाहियत है वो इतनी तो नहीं है कि आप 6 महीने जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो वो इलाके जहाँ पर जो है वो रेनफॉल या तो कम होती है या उसका कोई पैटर्न नहीं है, इरेगुलर है, तो वहां पर जो है ये क्या होता है एक फंडामेंटल प्रैक्टिस के तौर पर जो है वो नजर आती है आपकी एरिगेशन, और इसी की वजह से ही जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो आपने सुना होगा कि भाई फसलों को पानी नहीं मिल रहा, हमारी जमीनें सूख रही हैं,
ठीक है, हमने बीज लगा दिया है, हमने ये कर दिया है, हमने फर्टिलाइजर दे दिया है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, एरीगेशन जो है वो एक की प्रैक्टिस है आपके एग्रीकल्चर के लिए। आपकी जमीन अच्छी है, आपका सीड अच्छा है, आपने फर्टिलाइजर प्रॉपर दे दिए, ठीक है, आपने सारी चीजें कर दी जो भी आपको करनी चाहिए थी, लेकिन जब आप उसको एरीगेशन सही नहीं करते या अपनी जमीन को एरीगेट सही तरीके से नहीं करते, तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, आपके पूरे के पूरे जो है ना वो काम को खराब कर देता है। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको लोअर यील्ड्स के साथ जो है वो कॉपरेट करना पड़ता है। एरीगेशन की प्रैक्टिसेस का सस्टेनेबल और एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो हमारे पास, हमने ये हम सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई दुनिया से पानी खत्म हो जाएगा, और ये हकीकत है, क्योंकि ये दुनिया पानी है, और एक ना एक दिन जितनी भी चीजें हैं, सिर्फ इंसानों ने नहीं खत्म होना, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने इंसान को अता किए हैं, वो सारे एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो जो भी प्रैक्टिस परफॉर्म की जा रही है या जो भी प्रैक्टिस जो है वो अंडर जो है वो यूज है, उसका सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो देर पा हो, पायदार हो, और उसका एफिशिएंसी भी जो लेवल है वो भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पानी तो दे रहे हैं, उसमें से 10% जो है वो पौधे के काम का है, 90% जो है वो जाया हो जाता है, जैसे हम आमतौर पर करते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारी फसल को पानी चाहिए कितना, वो अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे आबाओ अजदाद को जो है वो अकल दी थी, बस उन्होंने वो कह दिया कि भाई फ्लड करो, हम कैनाल खोलते हैं, ठीक है, अपनी फील्ड के अंदर खोल देते हैं, और जब तक वो भरता नहीं है या जब तक हमारा जो है वो पानी का जो ट्रन है, जिसको हम वारा बंदी कहते हैं, वो जब तक हमारा वारा जो है या ट्रन जो है वो खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है पानी, ये एक मिथ है। ठीक है ना, ये ख्याली पुलाव लोगों ने जहन में जो है वो बनाया हुआ है कि भाई अगर आप फर्टिलाइजर ज्यादा दोगे और पौधे को पानी ज्यादा दोगे, फसल को, तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज लाइक दैट। पौधे की देखें एक अपनी जो है ना वो सलाहियत है, फर्टिलाइजर अगर ज्यादा हो गया तो वहां पर न्यूट्रन टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि वो तेजाबियत में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपने पानी ज्यादा दे दिया है फसल को, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो वहां पर डेवलप हो जाती है, और अल्टीमेटली एक तो आपका पानी जो कि आपका एक बहुत कीमती रिसोर्स है वो जाया हो गया, और दूसरा आपकी जो प्लांट्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो एरिगेशन को प्लान करते हुए जो है वो हमें अपने नजर में रखनी होती है कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम, देखें एरीगेशन वाटर की, तो ये एक एग्रोनॉमी का जो है वो टॉपिक है, आपको एग्रोनॉमी में जो है वो कवर करवाया जाएगा कि भाई कौन कौन सी प्रैक्टिसेज हैं एरीगेशन देने की, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पर ये बात करेंगे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी ऑफ एरीगेशन वाटर। एरीगेशन वाटर की क्वालिटी से क्या मुराद है? तो सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि भाई जिस किस्म का पानी आप अपनी फसल को इरिगेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपकी क्रॉप की हेल्थ को, सॉइल की कंडीशंस को, और ओवरऑल आपकी जो फसल की पैदावार है। ठीक है, तो इससे सिर्फ आपकी, अगर आप पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसा पानी जो कि खराब है, जिसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल मौजूद है, कोई तेजाबी मादे मौजूद है, या उसके अंदर कोई ऐसी जो है वो खराब चीज है, तो वो सिर्फ आपके पौधों को खराब नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो सॉइल है उसको भी जो है वो डैमेज करेंगे। आमतौर पर हम आजकल क्या देख रहे हैं, ये जो अर्बन एग्रीकल्चर है या ये जो शहरों की जो है वो आसपास में जो एग्रीकल्चर हो रहा है, वहां पर वेस्ट वाटर को एज एन एरीगेशन वाटर यूज किया जा रहा है, यानी कि जो हमारा वेस्ट वाटर है, ठीक है, जो गटर का पानी है हमारा, जो हम वेस्ट जो है वो करते हैं, उसको जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एरिगेशन जो है वो यूज कर रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या है? देखें आपका जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर सोप भी है, ठीक है, साबुन, उसके अंदर शैम्पू भी है, उसके अंदर डिटर्जेंट्स भी हैं, उसके अंदर दूसरी भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, आपके किचन का वेस्ट भी उसके अंदर है, आपके वॉशरूम का वेस्ट भी उसके अंदर है, तो अल्टीमेटली ये देखें ये खजाना है केमिकल्स का। तो अगर ऐसा पानी आपने दे दिया अपनी फसल को, प्रैक्टिकली इसके जो असरात हैं वो बहुत देर से नजर आते हैं। ठीक है, इस पानी के अंदर क्योंकि ह्यूमन वेस्ट इंक्लूडेड है, तो आपको नजर ऐसा आएगा कि भाई ये पानी बड़ा ताकतवर है, तो ताकतवर तो है, लेकिन उसका जो बिल्डअप है, जो केमिकल या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनका जो बिल्डअप आपकी सॉइल के अंदर चल रहा है, वो आपको वक्त के बाद जाके पता चलेगा। तो क्वालिटी ऑफ एरीगेशन वाटर इज अ क्रिटिकल फैक्टर। हम क्यों भागते हैं कि भाई हमें दरिया का पानी दो,
ठीक है, क्योंकि दरिया का जो पानी है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें साल्स कंटेंट बहुत कम होता है। हम जो अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग कर रहे हैं, तबाह कर दिया है अपने मुल्क को, सारे के सारे जो हमारे एक्वीफर्स हैं वो साल्टी हुए पड़े हैं। ट्यूबवेल का पानी खारा होता है प्रैक्टिकली। हमने जो है वो ट्यूबवेल्स जो स्कार प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंस्टॉल किए गए थे, वो इसी वजह से किए थे कि हम उनको मजबूरी के तौर पर इस्तेमाल करें। पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया, उसको ही अपना हल बना दिया, क्योंकि पानी आता ही नहीं है। अब लोग क्या करें? तो याद रखें, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी, और जो नेचुरल रिवर वाटर है या जो आपको कुदरती पानी है जो दरियाओं और नहरों में नजर आ रहा है, इनकी क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है कि क्या आपने उन नदी नालों के अंदर अपने घरों की ड्रेनेज लाइन तो नहीं लगा दी? अगर वो ड्रेनेज लाइन आपने लगा दी है उसके अंदर, तो समझे आपने उसका भी सत्यानाश किया हुआ है। तो एरिगेशन वाटर की जो क्वालिटी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके ऊपर दुनिया के अंदर जो है, पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्यों बहस नहीं होती कि हम कर क्या रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, वही पानी जो हम वेस्ट कर रहे होते हैं उसको हम अपनी फसलों में लगा देते हैं, और वही कल को जो फूड आता है वो हम खा रहे होते हैं। तो भाई ये केमिकल सॉयल में जाएंगे, सॉयल से प्लांट में आएंगे, और प्लांट से आपकी बॉडी में आ रहे हैं, तो तभी तो ये हो रहे हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर्स। तो ये सारी की सारी जो वजूहत है इनको आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी ऑफ एरिगेशन वाटर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब कभी भी आप अपनी जमीन को एरिगेट करें तो उससे पहले अगर आपका ट्यूबवेल, आपने जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है लोग, उन लोगों ने एक बात देखी होगी कि जब कभी भी आप कोई ट्यूबवेल लगवाते हैं या बोर करवाते हैं तो पहले आप जो है वो उसका पानी टेस्ट करवाते हैं। भाई क्यों टेस्ट करवाते हैं? नहीं करवाए ना, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खराब हो चुका है। तो ये है कि भाई ये ना सिर्फ आपकी पैदावार को कम करता है, लेकिन आपकी क्रॉप्स को तो डैमेज करता ही है, सॉइल की कंडीशंस को भी खराब कर देता है। अल्टीमेटली खारा पानी दे दे के आप एक एंड पे पहुंचेंगे, और वहां पर क्या होगा कि आपकी जमीन या तो सलाइन हो चुकी होगी, या तो फिर सोडिक हो चुकी होगी, या फिर इन दोनों में से कोई एक हो गई होगी। तो अगर आपकी जमीन ठीक नहीं है, आपके पौधों की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब है कि किसी भी चीज की केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे एक पानी है जिसका कलर काला है, तो ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस है कि दिखने में खराब है, गटर का जैसे पानी होता है वो काला होता है। अब अगर आप एरिगेशन वाटर भी ऐसा इस्तेमाल करें तो ये कोई सही बात नहीं है। और केमिकल से मुराद ये है कि भाई उसकी केमिस्ट्री क्या है उसके अंदर की, उसमें कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो उसके अंदर सही मानों में मौजूद है, कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें जो है ना वो प्रैक्टिकली देखनी भी पड़ती हैं कि भाई उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एरिगेशन वाटर की वो क्या है। अब क्या है कि भाई वाटर की जो क्वालिटी है, एरिगेशन वाटर जो क्वालिटी है उसको जो है वो असेस करने के लिए हम बहुत सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो पैरामीटर्स कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि भाई अगर आप कोई भी वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, इन दो या तीन चीजों का जो है वो खास ख्याल रखना है। अब इससे मुराद ये है कि भाई अल्टीमेटली हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सी चीज इस पानी के अंदर कितनी मौजूद है।